आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। आज क्या हुआ है मार्केट में, किसी को हवा नहीं है, पर हमारे चैनल पे हमने सबसे पहले बताया था पिछले चार दिनों से, प्रॉफिट बुक कीजिए और चाहे तो शॉर्ट कर दीजिए। हमने निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ था। आज बैंक निफ्टी में कोहराम मच गया है दोस्तों। बैंक निफ्टी जैसा इंडेक्स करीब करीब 4% गिरा हुआ है। 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरना कोई आसान बात नहीं है। एक भी शेयर एडवांस में नहीं है, सारे के सारे डिक्लाइन में है। आज हम बात करेंगे आरबीएल एंड फेडरल बैंक के लिए क्यों गिरे हैं दोनों और क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इस स्टॉक में। तो सबसे पहले अगर हम आरबीएल एंड फेडरल बैंक की बात करें तो दोस्तों इंट्राडे का चार्ट अगर देखेंगे आपको क्लियर कट नजर आएगा कि आरबीएल का, हम यहां पर 5 मिनट का चार्ट दिखाते हैं आपको, तो जो गिरावट शुरू हुई थी सुबह थोड़ा सा उठने की कोशिश की और यहां से फिर जो गिरावट आई जब उसने सुबह का लो तोड़ा 223 का लेवल तोड़ने के बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा स्टॉक मार्केट ने, धड़ाम से क्रैश होके गिरा है और 204 रुपए पर गिरा है। दोस्तों 20 पॉइंट की गिरावट आई है मार्केट में आरबीएल बैंक के जरिए। यही चीज अगर आप फेडरल बैंक को देखें तो देखिए फेडरल बैंक की भी कहानी प्रीटी मच सेम है। जैसे ही उसने अपने आज दिन का लो करीब करीब 12:30 बजे के बाद तोड़ा 64 रुपीज का, उसके बाद तो जाकर 60 रुपए पर रुकने को मिला है फेडरल बैंक को। तो इंट्राडे पर बहुत बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी आज, जिसने शॉर्ट किया है दोस्तों आप एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 3 की फैक्टर है जो मार्केट को धराशायी किया है आज मार्केट ने। सबसे बड़ी खबर, यूके में नया COVID-2 फाउंड हुआ है जो 70% तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू अदर थिंग, और ये वायरस एयरबोर्न वायरस है, हवा में ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है इसलिए ज्यादा खतरनाक बन चुका है। इसकी वजह से यूके में से फ्लाइट जाने वाली फ्लाइट्स के काफी कंट्री ने बैन कर दिया, यूरोप की सारी कंट्री ऑलमोस्ट बैन कर दिया है। इनफैक्ट यूके में खुद से उनका एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसको कहते हैं स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड ने लंदन से सारी फ्लाइट बंद कर दी है। तो आप समझिए विद इन यूके फ्लाइट बैन हो गई है और बाहर जाने वाले यूरोप कंट्रीज में भी सब बैन हो चुका है। ये दोनों के दोनों ओवरबोर्ड जोन में थे। कैसे कह रहे हैं जरा समझिए, टेक्निकल समझाते हैं। अगर आप आरबीएल शेयर को देखें, वन ऑफ आवर फेवरेट स्टडी इंडिकेटर है बुलियंजर बैंड। अगर बुलियंजर बैंड के बेसिस पर देखें तो देखिए कंटिन्यूअसली ऊपर सेक्शन में था जब से यहां से इसने नवंबर देखा है, 183 रुपए से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ये हेल्दी साइन नहीं होता है। और देखिए कल भी रिएक्शन दिखाया और आज तो इसने अपने लोअर लेवल 211 का टारगेट था उसको तोड़ के नीचे चला गया, यहां से करेक्शन आगे आएगी आएगी। और यही चीज अगर आप फेडरल बैंक में देखें तो यहां पर हम आपको दिखाएंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखेंगे तो 70 के आसपास चल रहा है जो कि काफी ओवरबोर्ड जोन में है। यही चीज अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी के लिए तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात थी। बैंक निफ्टी का हम आपको दिसंबर का फ्यूचर दिखा रहे हैं तो देखिए इसका ओवरबोर्ड जोन करीब 71-72 के आसपास चल रहा था जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो सारे के सारे ओवरबोर्ड जोन में थे और साथ ही साथ में जब सेलिंग आती है दोस्तों तो बिग फैट फिंगर्स काम करती हैं, जो बड़े लोग होते हैं FII DII वो आंख बंद करके बेचते हैं, वो ये नहीं देखते कितना प्राइस मिल रहा है, उनको अपना पैसे को प्रोटेक्ट करना है। एंड दे सेल फर्स्ट थिंक लेटर। जब इतनी बड़ी बड़े शहर में कोविड की बड़े लेवल पर खबर आ रही है और प्रॉब्लम यह है कि जो COVID-2 आया है पता नहीं कि COVID-1 की वैक्सीन उस पर काम करेगी कि नहीं करेगी, इसलिए सब लोग अभी पैनिक सिचुएशन में है और ये फर्दर टेक्निकली डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेंगे दोनों के दोनों बैंक अभी आने वाले समय में। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन। कंक्लूजन सिंपल बात है दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक स्टॉक में है प्रॉफिट बुक लाजमी है, डू नॉट वेट फॉर प्रॉफिट बुकिंग। हमारे चैनल पर आज जहां पर सब लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारे चैनल के जो पेड मेंबर्स हैं उनको 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दी है हम लोगों ने। आज निफ्टी को शॉर्ट किया था और देखिए 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। हम लोग ये सर्विस पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं 8,000 रुपए पर मंथ के चार्जेस पर। 4 वीडियो प्रस्तुत है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। बाय गाइस।